हेलो भाई, मोहन पवार भाई। बहुत देर होगी पछते पछते, मैंने सोचा सभी भाइयों को व्लॉग में दिखा जाए। इंट्री गांव वाला अरुण पवार आज देखिए कैसे इसमें से मिट्टी उठा रहा है। यहाँ पे रविशंकर गोड़ौता वाला और आकाश पवार कहाँ रह गया? वो बना रहे हैं वो क्या नमकीन है वो ना। तो भाई जैसा कि आपने अगर देखा हो तो हमने नर्सरी जब पेड़ लेके आए थे तो कई पेड़ों की ना जड़ ऊपर रह गई थी। एक्चुअली हमने कब गड्ढा खोदा था, और अभी पकड़ में बोल करते करते एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे क्या बारिश हुई थी ना पहले, तो मिट्टी बैठ गई थी साइडों में से। तो देख रहे हो ये गड्ढा अकेले तुम्हारे यार ने किया है, अरुण पवार ने किया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे भरो, ये मिट्टी हमारी है। जब वो दीवार गिरी थी ना वाली, तो पूरी मिट्टी बह के आ गई थी, वही मिट्टी है अपनी। तो अपनी मिट्टी को वापसी ले जा रहे हैं पर्पज के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा हम क्या कर रहे हैं। बस सेकंड। तो ऐसे करते हैं, रवि यहाँ तक गिर, यहाँ पे दिखा, इधर तक रख के आता है, आकाश आगे ले जाता है। तो अभी इनका वाइस वर्सा हो रहा है, कभी आकाश यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच है तो वो जल्दी रो जाता है आदमी, और मेरा काम भरने का है। तो वर्कआउट है हमारा ये। लोग भाई कहते हैं हमारे कि अरुण भाई अब डे 14-15 कहाँ गए, तो इनमें ही डे 14-15 निकल जाते हैं भाई। बेस ठीक है। अब चलेंगे टीवी लेने, है ना? हाँ, टीवी लेने और वो उस पे से वो लेने। और क्या, और आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब भी है तो मेरे को डॉक्टर को भी जाना है एक बार ही ना। क्या करो यार, काफी लीवो की क्लच भी टूट गई। तो भाई अभी हम चल दिए हमारे बहुत फेमस हॉस्पिटल, जो हमारे गांव का नाम जाना माना हॉस्पिटल। यहाँ पे हमेशा ठीक हो जाता हूँ मैं। तो यहाँ स्वरूप हॉस्पिटल पे हमारे भाई बैठते हैं, डॉक्टर लोकेश, उनके पास चलते हैं और अपना इलाज तुरंत करवाते हैं और ठीक हो जाते हैं। चलिए भाई साहब, सुखवा देते हैं आपको इसको। 2 बजे तक, ये तो काफ़ी लेट हो गया। उस दिन में ना बैठते क्या सुबह सुबह? अच्छा, ओनली 10 तक बैठ, हम तो लेट हो गए यार। शिट मैन, मतलब अब मेरे को ऐसे। और शाम तक कितने बजे तक रहते हैं? 8 बजे तक। चलो भाई अब दोपहर को आना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, हमारी किस्मत में ठीक होना ही नहीं लिखा, तो अभी क्या करें। अरे कोई नहीं, आपको तो सोना दिखा दे। चलो कहीं तो दिखेंगे यार। चल फिर अब सोना चलते हैं। टीवी ले आते हैं ना पहले, तो वो कैमरा वाला लगा देगा तो अच्छी बात है। अभी एक नई प्रॉब्लम अटक गई भाई हमारे साथ ना। मैं आपको दिखा रहा था कल वो पेन ड्राइव, अगर आपने कल का व्लॉग देखा हो उसमें क्या, जैसे मैं पेन वो दिखा रहा था तो मैंने जेब में रख ली वो पेन ड्राइव। अभी मैं कहीं मिस भी नहीं उतरा था, मतलब गाड़ी में से कल क्या हुआ। अरे ये लग गई। तो भाई वो ना जेब में से, जैसे मैं बैठा था ना तो लोअर में से चाबी ऐसे निकली पड़ी थी, तो पेन ड्राइव भी नहीं, तो हमको लगा यहीं पर कहीं पर होगी। भाई हमने पूरी में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही। और इस सीट के नीचे ना, इस देखना कैसे वो जा, अगर सारे के सारे यार कोई मतलब है, ये कोई फिट एंड फिनिश कोई क्वालिटी होती है यार, ये देखना। अब वो पा ही नहीं रहा भाई, पता नहीं कौन से लियर ऑटोमोटिव इंडिया करके इसको बना रही है। हमने पूरी में कल से ही लगे पड़े हैं ढूंढने में, 100 की और थी यार 32 GB। बड़ा दुख दर्द सा हो रहा है उसको। अरे वाह, तो कर लेंगे पर वो ढूंढनी है यार ना, तो सीट खुले है और यहाँ भी जगह ना है, पूरी चेक कर ली यार। कैसे क्या उपाय भाई, किसी को पता हो तो बताओ यार। पतली सी और थी वो पेन ड्राइव, कतई ना मिल रही बिल्कुल। रवि है बिल्कुल क्लियर, तो वो दिख रही है कि नीचे कुछ है भी नहीं, पड़ा भी नहीं है। एक बार देख ले यार, तो बढ़िया है, सारा डाटा उसी में था यार वो जागरण का। और विकास भाई कौन सी बिजनेस की डील निपटा रहे हो? ऐसे वैसे देख, ऐसे प्रोफेशनल कितने लगते हैं ना, कोई गाड़ी में कंप्यूटर चलाता रहे तो लैपटॉप है ना, कुछ नहीं कर रहा भाई। ये जो फोटो थे ना, पेन ड्राइव तो मिली नहीं, अब और पेन ड्राइव कहाँ से लेके हैं, और सब फार्म पे पड़ी हैं। तो हमने कहा कि लैपटॉप ही उठा के ले चलते हैं, मनोज भाई के पास पेन ड्राइव होगी, उसी में करके उनको दे देंगे और वो अपना फोटो छुपा देंगे एल्बम में। देखिए भाई अपने अपने फोटो से क्या है, अपने तेरे है ही ना, तेरे है ही ना, क्यों ना है, अपने अपने फोटो दे रखे हैं। हटना भाइयों हटना। चलो पहले पैसा लिया हमें यार वापस, जिनमें आज तो खुल रही होगी ऐसे हो। फाइनली भाई बहुत दिन बाद हमको होम थिएटर के पैसे वापसी मिल गए। ऐसे अच्छे होते हैं दुकानदार हैं, कैसे दे दियो भाई ऐसे, मतलब दो ट्राई कर वाली है। ऐसा अच्छा होता है। हाँ नहीं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर लेके दिखा देना ऐसे। अब तो उनके पास कोई रिप्लेसमेंट है, रिफंड वाला ऑप्शन है ही नहीं। अब इनको ये एज इट इज टीवी वाले को पकड़ा देंगे, होगा 14-15 हज़ार का कोई टीवी, उसको वहीं लेंगे 5-6 हज़ार रुपए। 14-15 हज़ार को कौन सा टीवी, एमआई को तो 11-12 हज़ार का आ जाएगा। रियलमी रियलमी को मंगाए हो, कितने मंगाए हो घर पे? 11 को बढ़िया रहे यार, ये सेल में मस्त मिल, सेल में मंगवाए थे ना, एलईडी इनको भी सही कहा यार, टंगी तो रहे हैं ये, बस पिक्सल फट जाते हैं, 24 घंटे चलाते हैं, तो जैसे उसमें चलेंगे सीसीटीवी में। और देखते हैं यार, एनीवे चलते हैं दुकान पे चलते हैं, सारी मार्केट खुली हुई है वैसे।
800 खुल रखी है शॉप, चलते हैं अंदर की तरफ। हाँ फ्रेंचाइजी ली हुई तो हायर की, हायर अच्छी ब्रांड ना, इंस्पायर्ड लिविंग। चलो ये देखो भाई, यहाँ पे भी काफी वेराइटीज हैं, यहाँ पे रियलमी भी है, यहाँ पे हायर भी है, और यहाँ पे वन प्लस भी है। तो हम काफी कंफ्यूज हो रहे हैं अभी कौन सी लेनी चाहिए। रियलमी तो काफी रियल लगती है, हायर इंस्पायर्ड लिविंग मतलब टीवीज में हमने इसका पर्सनली नाम इतना सुना नहीं। वन प्लस की अभी भाई बता रहे हैं कि काफी पिट चुकी है अभी मार्केट में, और मेरे में बहुत सुनने में आया, ये वो विजय सेल्स वाला भाई भी कह रहा था कि अब इसकी जो वो है बहुत ज्यादा इसमें कमी आ रही है। तो भाई लेट्स सी विच वन वी बाय। तो अभी हम आ गए भाई हायर पे से ना, हाकस हायर की फ्रेंचाइजी थी इसके पास, हायर ही हायर भेज रहा था भाई। मतलब कस्टमर तो यार तुमने सब चीजें रखी हुई है, रियलमी है, माई वन प्लस, तो कस्टमर सब चीजों के बारे में पूछेगा, हायर लो हायर लो हायर लो, सर्विस नहीं हायर लो। चलो इस पे चलते हैं, ये स्मार्ट है क्या? हाँ। ये स्मार्ट कितने का है? कितने का पड़े? 18,500। एलजी देगा कितना महंगा है। अरे भाई एक बार ब्रांड बना दो। अच्छा, अरे बीपीएल ब्लो पॉवर्टी लाइन बीपीएल एंड्रॉइड है। हाँ इससे सस्ता हो जाएगा। अरे यार कितना? 15,500 भाई, हद हो गई यार, बीपीएल भी इतना महंगा हो गया। वो तो ये लोयड लोयड ठीक लग रहा है यार, ललोयड नहीं है वो, लोयड है ललोयड, डबल एल क्यों लगा रखा है। हाँ अब जो भी है अब सही है यार। हाँ ये तो अपना वाला ही है एक्स बूम। अरे ये कितने का है भाई? दुशुम दुशुम दुशुम। तो भाई अब फाइनल हम खरीद के जाएंगे, हमारी थर्ड शॉप है जहाँ पे हम लोग आए आ रखे हैं। अभी देखते हैं यार, रेट वेट करने वाली बात है, अच्छा रेट भाई दे देते हैं तो हम ले जाएंगे, क्या दिक्कत है यार चाहिए। और वो कैमरे वाला भाई भी आ गया होगा, हमको बस कैमरे चलाने हैं यार मेन, तो क्या ही करना है इसका। तो देखते हैं यार कितना, बस कैमरे चलाने हैं हमको, नहीं नॉन स्मार्ट, बस कभी मूड बन गया तो कुछ देख दाग भी लें, ऐसा भी होना चाहिए ना। हाँ गाने चलाने के ऐसे तो हमारे उसमें ये ओलेड लग रहा है उसका, सोनी का। ये किस कौन सी कंपनी का वो है? LG का? LG, LG. इनकी तो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होती है भाई। फार्म पे लगा रखा यही है ना वो? हाँ यही है, यही है। इसकी क्वालिटी के आगे कुछ मतलब, इनके आगे तो फिर ये लोयड वोयड कुछ लगता ही नहीं यार, चाहे LG देख लो कोई सा पैनल देख लो। सैमसंग कितना प्रोग्रेस कर गई है पहले हम टीवी। ओ भाई ये जापानीज है, ये कुछ भी कर सकते हैं। 44,000 का ये, 44,000 का है ये वाला। अरे भाई साहब, 1000 वाट का वो भाई, 44,000 में तो आग लगा देता होगा ये। कितने का मिले वहाँ? तो और महंगा था 51 का। हाँ भाई की दुकान सस्ती है, ये सस्ता मिल रहा है, तगड़ा होगा ये एकदम है ना। हाँ यार भाई देखो कितना अच्छा डेमो दे रहे हैं, पैनल का फर्क है एलजी में। तो आपने देखा होगा भाई मेरे को एलजी से बहुत प्यार है, रिसेंटली हमने 4 तो एसी उसके लगाए थे अपने उसमें फार्म पे एलजी के ही। तो एलजी आकाश, एलजी अच्छा ब्रांड है यार है ना, एसी बेसिस में हर तरीके से अच्छा है। तो भाई जी हमको ना प्लीज एक बार बेस्ट रेट बता दो आप एलजी का फाइनल। बेस्ट बता दिया ना, एलजी महंगा तो मिलेगा आपको लेकिन ब्रांड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, पैनल अच्छा है। वैसे भाई एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जो ये रियलमी वियलमी और ये वन प्लस ये आजकल के ब्रांड है, लेकिन जो एलजी सोनी सैमसंग ये सदा से चलते आ रहे हैं, मतलब हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम देख रहे हैं इन ब्रांड्स को, और काफी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। तो आपने कितने का बताया वो एलजी वाला? वो वाला वो 17,500 का लग जाएगा, 18,500 का मैंने बताया था आपको। 17,500 उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, और उस ना कुछ स्टैंड के पैसे ना वॉल माउंट के पैसे। 15,000 में हो जाएगा, 15 में कर लो भाई साहब, हो जाएगा सैमसंग का, हो जाएगा 14,500। नहीं यार सैमसंग तो गरीब सा जाएंगे थोड़ा, जापान वाले का हो जाएगा बीपीएल के लिए 15,000। बस एलजी का बता दो यार 15 में। पापा भाई देख लो, पापा पापा देख लो, भाई नहीं दे रहे हमको। आप कहाँ के हो भाई? तो यार आप भी ऐसे कर रहे हो यार, तो भाइयों बड़ा ढूंढने के बाद हमने फाइनल एलजी ले ही लिया। अभी आकाश यहाँ पे बिल वगैरह करवा रहा है, फारिक करो यार, मतलब एलजी सही ब्रांड है, अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सालों साल चलता रहेगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ इसमें क्या है ना, हमको ऐसा पैनल चाहिए, अब ये सीसीटीवी वाला काम ऐसा रहता है ना 24 घंटे चलता है। कलर्स का डिफरेंस देखो आप, लो पॉवर्टी लाइन वाले का देखो कलर सा, और ये थोड़ा डार्क, बिल्कुल यार देखो कंट्रास्ट बढ़ा रखा है। और ये देखो आकाश जो होम थिएटर वाले से लेके आया था सीधे आकाश ने यहाँ पे पकड़ा दिए। हमको एक्स्ट्रा कितने करने हैं? 9 - 17 कितने का पड़ा है? 16,900।
1600-900 का कपड़ होगा। ओह माय गॉड, सो एक्सपेंसिव। 1600-700 लो भाई, रख दो पीछे। तो आ गई भाई हमारी LG स्मार्ट टीवी, ये देखिए, देखते हैं इसकी क्वालिटी का कैसा रहता है यार, कितना कचरा भर रहा है इसमें। तो हमने इस दुकान से ले ली भाई, अच्छे रेट मिल गए। क्यों कर रहे, फ्री में थोड़ी देती है। देखा बिल तो दिखा दे, खल्ला नंबर लिखा हुआ उस पे। ओके सॉरी, चलो ठीक है भाई, भेज देना जरूर से आज से। सुन ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलो भाइयों चलो फटाफट। आज तक किसी के दिमाग में ये आइडिया ना आया कि थार के अंदर भी चार डोर बना देते हैं, पीछे एक तरफ डोर वो लगा दें। अब तेरे दिमाग में तो आ गया, छत बनवा लेना, काट देते हैं लोग फालतू में से। तो खिड़की बना सकते हैं, खिड़की बनाने में कहा है। चले इनके पास पर इनसे बात करें। कहीं नहीं यार, मैं ही हूँ यार। नहीं इनसे बात कर रहे, मस्त कंटेंट है। मैं रोज ऐसे काट पीट के थोड़ा थोड़ा करता रहा हूँ ना, कबाड़ एक थार ला कर। बिल्कुल राइट, वैसे आकर हवाबाजी खूब फेंक रहा था उनके सामने कि हमारे फार्म पे यही LG OLED लगी पड़ी है ना, तो 6 साल पुरानी MI की लग रखी है। क्या फेंक रहा था कि हमारे घर में तो ये 65 इंच की OLED लग रखी है। काफी अच्छी हवाबाजी की वजह से 1600-700 के मिल गई, नहीं तो 19000 की दे रहा, ठीक है ना। अरे ठीक है यार LG, ओके। मनोज भाई ने हैवी बॉडी गार्ड रखा हुआ है ताकि मनोज भाई ना पाए। दुकान खुली हुई है ये देखो। हाय, चार तारीख से ब्याह स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हम एक अंदाजा ले रहे हैं कल को तेरी करेंगे। और मनोज भाई कैसे हो, जागरण में मजा आया था? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो तो जागरण हम भाई को, मनोज भाई को देखो फोटो दे दे रहे यहाँ पे। कितने दिन में बना के दे दोगे एल्बम? एक हफ्ता लग जाएगा। हाँ तो मनोज भाई, हम कल आए थे आपके पास, आपकी दुकान बंद थी, बताओ। कल लास्ट संडे था ना, नहीं तो 6 ही दिन लगते बस। तो अभी यहाँ पे हम कोई और बुकिंग भी दे सकते हैं। वैसे आकाश बात कर रहा है कोई और बुकिंग देने की, कुछ प्री वेडिंग वगैरह की पूछ रहा है, पता नहीं किस लिए पूछ रहा है। हम तो मनोज भाई को ही देंगे भाई, मनोज भाई काफी अच्छा फोटो खींचे इन्होंने। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा एल्बम दिखाऊंगा, कितने अच्छे अच्छे फोटोज खींचे हैं। कभी मजा आया भाई के फोटो देख के। ऐसा दुल्हन का फोटो जरूर लीजिएगा। खींचा था कि दुल्हन को लेगा। मनोज भाई की फोटो देखो, ये क्या बात है, ये पूरे मनोज भाई। मनोज भाई निकॉन यूज करते हो? कैनन, निकॉन। चलो भाई फोटो देख के फिर चलते हैं, हमारा इंस्टॉलेशन LG का देखते हैं कैसा होगा। इतना सब शॉपिंग करने के बाद अच्छा खाना तो बनता है, अच्छा लंच। ये हमारे भाई डॉक्टर लोकेश ने हमको ठीक कर दिया है, हम मिल गए। मैं दिन में भी आया था लेकिन मिले नहीं थे, तो अब हमने दवाई ले ली है। चलो भाई जी, थैंक यू सो मच, अब मैं हो जाऊंगा ठीक धनादन। अरे भाई जी भूलना जाना स्टूल का बटन दबाना। तो भाइयों अभी 1-2 दिन में इलेक्शन है, तो जरूर याद रखेंगे लोग इस भाई भी। तो चलो अब चलते हैं भाई। चलो भाई सारा काम हो गया, अब टीवी वाला पता नहीं यार, 3 तो बज लिए अभी तक तो कोई कॉल वॉल है नहीं, कह रहा था आज इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाइयों मैंने बहुत वेट करा, बहुत इंतजार किया, लेकिन LG वाले का कॉल नहीं आया। दुकान वाला बोला भाई साहब सेम डे हम इंस्टॉल करवा देंगे, और मैंने LG का लिया इसलिए क्योंकि भाई उसने बोला कि सेम डे, और सेम डे हमको इंस्टॉल करवाना था। फिर मैंने खुद, जो जैसे वो क्या होता है ना, आप कोई भी कंपनी खरीदते हो तो दुकान वाला क्या है, बस केवल ऐसे रिक्वेस्ट रजिस्टर कर देता है, तो वो कॉल आगे पहुँचती है, फिर वो साइन करते हैं बंदा। तो जो मेरे पास असाइन हुआ मैंने उसको खुद सामने से कॉल किया, मैंने उससे पूछा भाई कब तक ऐसे ऐसे लगाओगे, ये इस नाम से एंट्री हो मैं, आपके पास बुकिंग आई होगी? तो उन्होंने बोला भाई कल मॉर्निंग में आ पाएगा बंदा। मैं कह रहा है ये क्या मतलब, वो दुकान वाला कुछ बोलता है, LG वाला कुछ बोलता है, तो कह रहा है भाई साहब अब आई एम सॉरी 7-8 मॉर्निंग में मैं लगवा दूंगा, सुबह सुबह बखत्ते। मैं कहा चलो ठीक है भाई सुबह बखत्ते लगवा देना। तो अब ऐसा ही रहता है भाई, पर LG मेरे ख्याल से अच्छा है यार, क्योंकि CCTV कैमरे में पता क्या रहता है, वो 24 घंटा चलने रहता है। तो अगर हम नकली कोई भी लेंगे ना, तो भाई उनमें लाइन वाइन पिक्सल खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये जो LED होते हैं ना। हाँ लास्ट वीडियो में मैंने LED की फुल फॉर्म गलत बोल दी थी भाई, आई एम सॉरी। उसका लाइट एमिटिंग डायोड रहती है, फुल फॉर्म मैंने लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले बोल दी थी, आई एम रियली सॉरी। तो क्या है वो CCTV के उसमें रहता है, तो हमेशा जला नहीं रहते, तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते ना हम लोग, इसलिए वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी, इसलिए LG लिया है। और एक और दूसरी चीज़, ऑफलाइन में जो स्पीकर हमारा वो जो अंदर रखा है, मैं चलाता रहता हूँ अक्सर भाई, वो मैंने 28.5 का लिया, और वो बेच रहा था 44,000 रुपये का ऑफलाइन में, बड़ा वो भाई। मैं तो ऑनलाइन हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि नकली बेचते हैं कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं बेचते, वही चीज़ बेचते हैं हम, कब से ऑनलाइन पे जी रहे हैं, मच्छर में खा रहे तुझे? कुछ नहीं खा रहे। चलो भाइयों कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।